है गाइस, इसके बाद जिन क्लास वाले बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ वो वाले आ रहे हैं परफॉर्मेंस यहाँ पर देने। जो परफॉर्मेंस आ रहा है काफी ज्यादा मजा आने वाला है यार। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं और लाइट्स बहुत यहाँ पर डिम है इसलिए कैमरा कैप्चर सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार है। सभी ये जो तो अभी जो है गाइस, अब जो है परफॉर्मेंस यहाँ पर देने आ रहे हैं 7-8 के बच्चे हमारे चंद्रशेखर आजाद पे। भगत सिंह एकदम धूल धूल हो गया भाई। अब वहां पर के वो अंग्रेज वाला सीन वहां पर उधर, ये देखो ये हुआ मिलन। तुम ये सब क्या करते हो? बारे में नाजुबाजी लगाता है, सैनिक पकड़ लेने। ये देखो भाई, आज की कार्रवाई शुरू किया जाए। मालूम कठघरे में खड़ा ये लड़का ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। मालूम दूर है बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। मैं नहीं घबरा रहा, लेकिन आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? आपके सामने कितने फांसी के चढ़े, आपके सामने कितने आए और कितने गए? तो फिर कितने आए और कितने गए बेटा? लेकिन तेरे जैसा ना आया है और ना आएगा। सर वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है और हिस्ट्री में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक भगत सिंह को रिहा कर देना चाहिए। मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मैं सच जानता हूँ, और सच यह कि हम में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की है और ब्रिटिश हुकूमत इस बात का फायदा उठाकर भगत सिंह की बलि चढ़ा रही है। सर यह तो उस मासूम नौजवान के साथ ना इंसान भी है। मैं कूल हो जी, अगर जस्टिस हम जस्टिस तय करना हमारा काम है, रूल हम बनाते हैं और जब चाहे उसी कार के आर्डर को फॉलो करना तुम्हारा काम है। नो जस्ट डू दैट। यस सर यू आर राइट, मुझे सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। छता सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्नान के लिए पानी ले जाओ। क्या अंतिम स्नान? लेकिन आज तो 23 मार्च है, उन्हें फांसी आज ही देनी है। फांसी का तो हुक्म 24 मार्च को है ना साहब। जितना कहा गया उतना करो। अरे आप लोग, अरे इतना बड़ा जुर्म मत करो, माँ बाप आएंगे तो किससे मिलेंगे लाशों?
चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। हमारे सर हैं और बड़े सर अभी आए नहीं, थोड़ा सा उनका मतलब थोड़ा बीमार है, तो यहाँ पर हमारे सर मैनेजिंग हेड, तो यहाँ पर इतने सारे और सर यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं पूरा ये सेमिनार को परफॉर्मेंस पूरा। तो अभी देखते हैं बड़े सर से मुलाकात हो पाती है कि नहीं। फिर से परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया है, तो इसके बाद थोड़ी देर बाद हम जाएंगे घर, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया, अभी इसको एडिट भी करेंगे भाई। तो यहाँ पर गए ये छोटे बच्चे जा रहे हैं यहाँ पर ये परफॉर्मेंस देने, और यहाँ पर इतना क्राउड वैसे मतलब भुक्कड़ की तरह भी देख रहा है। ये है क्लास फर्स्ट और सेकंड के बच्चे यहाँ पर परफॉर्मेंस। आज तो ये सनी भैया 15 अगस्त आजादी के 75 साल पूरे होने पर छोटे छोटे बच्चे ये देखिए भाई, हमारा पूरा भारतवर्ष हिंदुस्तान अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर तिरंगा, हर जगह तिरंगा। इसी कड़ी में एक पुष्प है जो अपने मन की अभिलाषा रखता है और बोलता है, चाहूं नहीं मैं सुरबाला के गहनों।